हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या ये जरूरी है कि हर इंसान का कोई सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण हो। जब आप ये कहानी पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि शुक्र है ये कहानी लिखी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर, जहाँ मैं हिंदी साहित्य से जुड़े बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है या फिर हिंदी साहित्य से आपको लगाव है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। और आज मैं आपको हिंदी की 5 कहानियाँ रिकमेंड करने जा रहा हूँ। और वैसे तो इतनी सारी कहानियों में से सिर्फ 5 कहानियाँ रिकमेंड करना बहुत मुश्किल काम है, मगर मैंने फिर भी कोशिश की है कि अलग अलग राइटर्स की अलग अलग टाइप्स की कहानी, अलग अलग वेराइटीज़ की कहानी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ। और देखते हैं कि मैं इसका सॉटी पर कितना खरा उतरता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि हिंदी साहित्य से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। पहली कहानी जो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है निर्मल वर्मा जी की परिंदे। इस कहानी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलता है जो कि आप निर्मल वर्मा जी के लेखन में ढूंढते हैं, यानी कि एक मीठी उदासी, धुंध और अकेलेपन से जूझते किरदार। कहानी है लतिका की, जो कि एक पहाड़ों पर स्थित गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है। और हर साल की तरह इस बार भी वो सर्दियों की छुट्टी में घर नहीं जा रही है। वो एकदम अकेली है, और कोई था पहले जो उसे बहुत प्यारा था जो कि अब नहीं है, और जिसके ना होने से लतिका की ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया है। और उस खालीपन के साथ जीने को ही लतिका ने अपनी नियति मान लिया है, और वो उस खालीपन को भरना भी नहीं चाहती। कहानी में डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट जैसे भी किरदार हैं, और इन सभी किरदारों की यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये सभी किसी न किसी तरीके से अकेले हैं, और चाहकर भी ये एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते। कहानी को पढ़ते वक्त आप एक मीठी उदासी में डूब जाओगे, और अगर आप मेरी तरह हो तो उस मीठी उदासी को आप कुछ दिनों तक अपने साथ लिए घूमोगे। मुझे याद है जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी थी, तब मैं निर्मल वर्मा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और उनका लिखा हुआ मैंने इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था, मगर फिर भी मैं इस कहानी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, और ये कहानी मेरे दिल में उतर गई थी। और कुछ दिनों तक मैं इसके किरदारों के बारे में सोचा करता था, और आज भी सोचता रहता हूँ। दूसरी कहानी जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है भीष्म साहनी जी की वांगचू। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी के जैसी कोई दूसरी कहानी आपको मुश्किल ही हिंदी साहित्य में पढ़ने को मिलेगी, और यही वजह है कि मैं इसे यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कहानी है वांगचू नाम के एक बौद्ध भिक्षु की, जो चीन से आया है और सारनाथ में रहने लगा है। और भारत में कई सालों से रहने के बावजूद भी उसकी भारत की राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जिज्ञासु कम है और भक्त ज़्यादा। वो बहुत ही भोला और मासूम व्यक्ति है, और एक मध्यम सी हंसी हंसता है और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, और उसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। और बहुत सालों से भारत में रहने के बाद उसे ख्याल आता है कि उसे अपने देश चीन जाना चाहिए, और वो कुछ दिनों के लिए अपने देश चीन जाता है। मगर वहाँ जाके वो पाता है कि वहाँ तो क्रांति आई हुई है, और वहाँ समाज व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सब टोली बना के काम करते हैं। और इस माहौल में वो खुद को बड़ा असहज पाता है, और इसीलिए वो भारत वापस आने की सोचता है। और भारत वापस आने पर वो पाता है कि अब भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ चुका है, और रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं, और इसीलिए भारत की जो सरकार है वो उस पर चीनी जासूस होने का शक करती है, और आम लोग भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। बहुत पावरफुल कहानी है, और हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या ये ज़रूरी है कि हर इंसान का कोई सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण हो। क्या समाज और राजनीति से परे इंसान का कोई अपना वजूद नहीं हो सकता? क्या हम किसी इंसान को सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं देख सकते? तीसरी कहानी जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है कमलेश्वर जी की नीली झील। और ये कहानी उन कहानियों में से है जिनका अंत बहुत मुकम्मल होता है, यानी कि जब आप कहानी पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है कि कहानी एकदम बिखरी पड़ी है, और आपको समझ में नहीं आता कि कहानी है किस बारे में। जैसे कि अगर शीर्षक को लें तो लगता है कि कहानी है किसी नीली झील के बारे में। फिर जब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि शायद ये कहानी मजदूरों की ज़िंदगी पर है, और फिर लगता है कि शायद अमीरों और गरीबों के जो दृष्टिकोण में एक अंतर है, ये कहानी शायद उस पर फोकस करती है। और थोड़ी देर बाद फिर लगता है कि शायद ये एक अजीब तरह की प्रेम कहानी है, और अंत में लगने लगता है कि शायद ये कहानी अकेलेपन पर है। पर ये कहानी इनमें से किसी भी चीज़ पर नहीं है, और शायद देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा इन सभी चीज़ों पर है। और कहानी का अंत इधर उधर बिखरे इन मोतियों को एक धागे में पिरोता है, और कहानी के अंत में हमें समझ में आता है कि जब हमें लग रहा था कि लेखक भटक रहा था, तब वो दरअसल भटक नहीं रहा था, वो कहानी की गहराई में उतर रहा था। चौथी कहानी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है ममता कालिया जी की आपकी छोटी लड़की।
और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस टॉपिक पर भी कहानी लिखी जा सकती है, मगर मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि जब आप ये कहानी पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि शुक्र है ये कहानी लिखी गई। अगर आप अपने घर में छोटे हो तो आप इस कहानी से बहुत रिलेट करोगे, और अगर आप अपने घर में छोटी बेटी हो तो आपको ये कहानी बेहद बेहद पसंद आएगी। कहानी है 13 साल की टुनिया की, जिसका पूरा नाम वैसे तो तूर्णा सहाय है, पर क्योंकि बेचारी घर में छोटी है तो इसलिए वो टुनिया ही रह जाती है। और ये कहानी सिर्फ टुनिया की नहीं है, ये कहानी हर उस लड़की की है जो अपने घर की छोटी बेटी है और अपनी दीदी के साये में बड़ी हो रही है, और जिसे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि देखो दीदी ऐसी हैं, दीदी वैसी हैं, और दीदी को देखो, दीदी से सीखो, और तुम्हें दीदी जैसा बनना है। और मैं इस कहानी से इस तरह रिलेट कर पाया क्योंकि एक तो मैं अपने घर में छोटा हूँ और मैंने ये दीदी जितना समझदार बनना है वाला जो टॉर्चर है ना वो मैंने झेला हुआ है, और दूसरा मैं इसलिए भी रिलेट कर पाया और जो कि मुझे पढ़ के हंसी भी आ रही थी कि मेरी 2 भांजियाँ हैं और जो छोटी वाली भांजी है हम उसके साथ में बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि इस कहानी में दुनिया के साथ में हो रहा है। और इसीलिए ये कहानी बहुत 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 शानदार कहानी है और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए, और अगर आप अपने घर में छोटे हैं तो ये आपको ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए और अपने घर वालों को भी पढ़ानी चाहिए। 5वीं कहानी जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है अमृता प्रीतम जी की जंगली बूटी। बहुत ही मासूमियत भरी कहानी है और इसे पढ़कर आपको अपने वो पहले प्यार वाले दिन याद आ जाएंगे। और ये कहानी है एक अंगूरी नाम की लड़की की, जिसका पति प्रभाती उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है और जिसके साथ वो अभी अभी गांव से शहर आई है, और क्योंकि वो अभी अभी गांव से शहर आई है तो वो बहुत भोली है, और अभी तक उसके माँ बाप या उसके गाँव वालों ने उसे जो कुछ भी बोला था वो उसको सच मानते हुए आई है। जैसे कि उसे लगता है कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ने से लड़कियों को पाप लगता है, और ऐसे ही उसे ये भी लगता है कि प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार करने से पाप लगता है, और कोई भी लड़की कभी भी किसी के प्यार में अपने आप नहीं पड़ती है, कोई भी लड़की किसी से तभी प्यार करती है जब उसे कोई जंगली बूटी खिला दी जाए, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी लड़की किसी के प्यार में इतना पागल हो जाए कि उसे कामकाज की सुध ना रहे और वो हमेशा गीत गुनगुनाती रहे। तो बेसिकली कहानी ये दिखाती है कि प्यार में पड़े लोग आपको पागल ही लगते हैं जब तक कि आप खुद प्यार में ना पड़ो। और ये कहानी पढ़ते हुए मुझे रॉकस्टार मूवी की भी याद आ गई कि उस पर जो एक किस्सा था कि जो हमारा रणवीर कपूर का किरदार था जनार्दन जाखड़, उसे खड़ाला भाई एक बार बोलते हैं कि बेटा अगर आर्टिस्ट बनना है ना तो दिल टूटना चाहिए, और ये बात तो बहुत पते की थी पर जनार्दन इस चीज़ का मजाक बना देता है, और फिर उसे खड़ाला भाई समझाते हैं कि बेटा जब दिल टूटता है ना तो हलक से निवाला नहीं उतरता। और ये कहानी इसी चीज़ को प्रूव करने वाली कहानी है कि जब आप प्यार में पड़ते हो या जब आपका दिल टूटता है तो हलक से निवाला नहीं उतरता। और ये कहानी बहुत हल्की फुल्की और बहुत मीठी सी कहानी है, और मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आप ये कहानी पढ़ोगे तो अपने दोस्तों से साझा किए बिना नहीं रह सकोगे। तो ये था मेरा वीडियो, और इन 5 कहानियों के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, और इन्हें पढ़कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानियाँ आपको कैसे लगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूँ तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे हौसला मिलता है और मुझे मालूम चलता है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, और आप ये दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हैं।